Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well with your health and you are preparing well for your examinations. Friends, welcome to our YouTube channel Smartly by SSB Institute. This video is presented to you by me, Rashmita Sahu. I have been selected as Police Sub Inspector through Maharashtra Public Service Commission examination in the year 2018 and I have appeared for MPSC Class 1 interview in 2019. Friends, आप सब लोगों को पता होगा कि हमने क्वालिटी लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, दैट इज ऑफ एम लक्ष्मीकांत। तो आज हम वही सीरीज का एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे, दैट इज पार्लियामेंट। तो फ्रेंड्स, ये जो पार्लियामेंट टॉपिक है ना, वो हर एग्जाम्स में, चाहे वो एसएसबी हो, चाहे वो डिफेंस सर्विसेज का हो, या तो फिर कोई भी रेलवे का एग्जामिनेशन हो, दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एवरी स्टैटिक पार्ट के जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, पार्लियामेंट से पूछे जाते हैं। तो आज हम पार्लियामेंट का चैप्टर देखेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले तो आप क्या याद रखोगे, अब हम जो भी पॉइंट्स देखेंगे ये वीडियो लेक्चर में, तो वो पॉइंट्स दैट आर टोटल एग्जाम ओरिएंटेड। सो ट्राई टू मेक योर नोट्स, आप जितने नोट्स बनाओगे आपको उतना रिवीजन के लिए वो इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर सीरीज, लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर, दैट इज पार्लियामेंट। तो फ्रेंड्स, पार्लियामेंट ये कौन से पार्ट में इंक्लूड है, पहले हम ये देखेंगे। तो इट इज इंक्लूडेड इन पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको सबको पता है कि वी हैव 22 पार्ट्स, राइट। तो ऑफ दैट 22 पार्ट्स, पार्लियामेंट कौन से पार्ट में है, इट इज इन पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से आर्टिकल्स पार्लियामेंट के लिए है, आर्टिकल 79 टू आर्टिकल 122। ये सारे जो भी आर्टिकल्स आते हैं ना, 79 से 122, तो ये क्या होता है, पार्लियामेंट के रिलेटेड आर्टिकल्स है, ठीक है। ओके, हमने दो क्वेश्चन को इसमें से कर लिए, दैट इज कौन से पार्ट में आता है और कौन से आर्टिकल्स है, ठीक है। अब इस हम लोग बेसिक थिंग से देखेंगे, ठीक है। जैसे मैं जो भी बोल रही हूँ आपको, दैट इज एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। तो अभी ऐसे स्टैटिक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है ऑलमोस्ट इन डिफेंस एग्जामिनेशन, कि हाउ मेनी हाउसेस आर देयर इन द पार्लियामेंट, एक ये क्वेश्चन है, एंड हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट आर देयर। तो जब भी पार्ट्स पूछेगा, यू हैव टू आंसर विद थ्री पार्ट्स। कौन से है, एक पहला पार्ट है लोकसभा, सेकेंड इज प्रेसिडेंट, एंड थर्ड इज राज्यसभा, ठीक है। प्रेसिडेंट को पहले लेना होगा, प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। जब आपको पूछेगा कितने हाउसेस है, एट दैट टाइम यू हैव टू से टू हाउसेस, दैट इज लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। अभी ये जो प्रेसिडेंट है ना, तो प्रेसिडेंट ही और शी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो कोई लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। पॉइंट टू बी नोट डाउन, प्रेसिडेंट इज नॉट द मेंबर ऑफ लोकसभा, नाइदर इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। ही इज जस्ट एन इंटीग्रल पार्ट, वो कभी कोई हाउस सीटिंग में बैठते नहीं है, अगर आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया हो तो, ठीक है। ही जस्ट वोट, ही इज जस्ट इंटीग्रल पार्ट, मेंबर नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे पार्लियामेंट आर्टिकल कौन से आर्टिकल में लिखा गया है। आर्टिकल 79 हमें बताता है कि आर्टिकल 79 क्या है, पार्लियामेंट है। अभी जैसे कि आपको पता होगा, लोकसभा को हम क्या बोलते हैं, इट इज अ हाउस ऑफ पीपल, दैट इज अ कॉमन हाउस, दैट इज अ लोअर हाउस, तीन नाम है, ठीक है। लोअर हाउस मतलब हमेशा नीचे रहेगा, ठीक है, हाउस ऑफ पीपल। राज्यसभा, राज्यसभा इज व्हाट, इट इज अ हायर हाउस, हायर मतलब लोकसभा से ऊपर रहेगा। तो जब आर्टिकल 79 पार्लियामेंट बोलता है, तो आर्टिकल 80 क्या बोलेगा, ऑटोमेटिकली राज्यसभा बोलेगा, ठीक है, बिकॉज इट इज एन अपर हाउस, हायर हाउस, ओके। उसके बाद क्या आता है, लोअर हाउस, लोअर हाउस दैट इज आर्टिकल 81, आर्टिकल 81 क्या बोलेगा, आर्टिकल 81 हमको लोकसभा के बारे में बताएगा, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड, कि आपको याद रखना है 79, 80, 81, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, ओके। अभी हम देखते हैं लोकसभा, लोकसभा में कितने सीट्स होते हैं, ठीक है, वी हैव 552 सीट्स इन लोकसभा। आउट ऑफ दिस 552 सीट्स, 530 सीट्स जो है, दिस इज व्हाट, दिस सीट्स आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स एज वेल एज यूनियन टेरिटरीज, ओके। 530 ये हो गए स्टेट्स के, सॉरी 530 जो है ये स्टेट्स के है, 20 दैट आर ऑफ यूनियन टेरिटरीज, और ये जो टू है ना, दिस टू, दिस आर नॉमिनेटेड बाय हूम, दे आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। और ये तो कौन है, दे आर एंग्लो इंडियंस। एंग्लो इंडियंस मतलब क्या, एंग्लो इंडियंस मतलब जिसके भी पेरेंट्स आइदर मदर और फादर दे आर ब्रिटिशर्स, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, एंग्लो इंडियंस। तो कभी भी लोकसभा में आपको याद रखना है, प्रेसिडेंट कितने एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करेंगे, दो एंग्लो इंडियंस को करेंगे। टोटल 552 का रिप्रेजेंटेशन होता है, 530 प्लस 20 दैट आर स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरीज प्लस एंग्लो इंडियंस, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि अभी एट प्रेजेंट हमारे लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं। आई होप यू ऑल आर
नोएंगे, प्लीज कमेंट में। ठीक है, अभी हमने लोकसभा का मेंबर्स देख लिए कितने हैं, अभी देखते हैं उसका टर्म क्या होता है। ये हाउस का टर्म है 5 इयर्स। ठीक है, 5 इयर्स मतलब क्या, दिस इज अ डिसॉल्विंग बॉडी। देखो फ्रेंड्स, जब भी कोई भी नेशनल इमरजेंसी आती है या तो फिर कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है, एट दैट टाइम लोकसभा ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। जब भी प्राइम मिनिस्टर कोई इशू को रिलेटेड वो अगर रिजिग्नेशन देते हैं, एट दैट टाइम टोटल लोकसभा अलोंग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एवरीथिंग इज डिसॉल्व। ठीक है, सो लोकसभा इज व्हाट, इट इज अ डिसॉल्विंग बॉडी। ठीक है, और उसका टर्म क्या है, उसका टर्म हम जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, दैट इज 5 इयर्स, 5 साल के लिए। एवरी 5 इयर्स क्या होता है, लोकसभा की इलेक्शंस होती है। ठीक है, अभी हम देखेंगे लोकसभा की इलेक्शंस होती है, तो ये लोकसभा की इलेक्शंस कौन सी टाइप की है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। लोकसभा की इलेक्शंस कौन सी है, लोकसभा की इलेक्शंस है डायरेक्ट इलेक्शंस। डायरेक्ट इलेक्शंस मींस व्हाट, जो भी इलेक्शंस में हम इनसेल्फ अ कैंडिडेट हु इज अबाउ 18 इयर्स ऑफ एज। ठीक है, 18 साल के ऊपर जो भी कैंडिडेट होता है, ठीक है, ही कैन इलेक्ट और ही कैन वोट, ही कैन वोट फॉर द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। ठीक है, सिंपल, आपको बस इतना याद रखना है। पहले ये जो 18 इयर्स था ना, इट वॉज 21 इयर्स, तो ये 21 इयर्स का रिडक्शन होकर 18 इयर्स कब हुआ और कैसे हुआ, पॉइंट अगेन सिंपल क्वेश्चन जो वन लाइन में पूछा जाता है, उसका अमेंडमेंट पूछते हैं कि व्हेन वाज द वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 इयर्स टू 18 इयर्स। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको याद रखना है, इट वॉज फ्रॉम 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सिंपल, ये क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में आपको दिखेगा, वन लाइनर में अगर ये पूछा जाएगा। ओके, तो हमने देखा वोटिंग एज, कौन इलेक्ट कर सकता है, एनी कैंडिडेट हु इज अबाउ 18 इयर्स ऑफ एज, दे कैन डायरेक्टली वोट फॉर द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। ठीक है, अभी देख लिया हमें कौन वोट कर सकता है, अभी उसके मेंबर कौन बन सकता है, दैट आर हम क्या देखेंगे, उनके क्वालिफिकेशंस। ठीक है, कौन एलिजिबल है, तो लोकसभा के लिए अ पर्सन शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, पहली बात तो ये है। दूसरी बात है, ही शुड बी ऑफ एज 25 इयर्स, 25 या 25 प्लस। अगर उसको लोकसभा का कोई मेंबर बनना है, इलेक्ट होकर आना है, तो उसका एज कंडीशन क्या है, 25 इयर्स के ऊपर वो रहना चाहिए, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। और थर्ड है कि वो थोड़े जो टर्म्स एंड कंडीशंस पार्लियामेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ही शुड फुलफिल दैट टर्म्स। ओके, ठीक है, सिंपल। तो अभी ये हो गया, हमने मेंबर्स देख लिया, टर्म देख लिया, उसके लिए एलिजिबिलिटी देख ली, कौन वोट कर सकता है देख लिया, लोअर हाउस देख लिया, और उसके बाद हमने ये भी देखा कि दैट आर व्हाट, डायरेक्ट इलेक्शंस। लोकसभा पार्ट दिस इज कंप्लीटेड। ठीक है, अभी हम देखेंगे राज्यसभा। राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं, अपर हाउस, इसीलिए आर्टिकल 79 के बाद क्या आएगा, आर्टिकल 80। ठीक है, अभी राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं, 250 मेंबर्स। आउट ऑफ दिस 250 मेंबर्स, 238 मेंबर्स आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ व्हाट, दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, जो भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, दे आर 238 एंड 12। अभी ये जो 12 दिख रहा है ना आपको, 12 डिजिट, दिस 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड डायरेक्टली बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, जैसे लोकसभा में आपने देखा, दो जो मेंबर्स है, दे आर नॉमिनेटेड डायरेक्टली बाय प्रेसिडेंट, और ये तो कौन है, दे आर एंग्लो इंडियन। तो अभी यहाँ पे ये जो 12 लोग है, ये कौन है, दे आर द मेंबर्स हु हैव स्पेशल नॉलेज इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस, स्पोर्ट्स एंड एक्सेट्रा। ओके, तो ये 12 मेंबर्स, फॉर एग्जाम्पल हम लोग जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि रिसेंटली सचिन तेंदुलकर मतलब पहले थे, उसके बाद अभी मेरी कॉम भी नॉमिनेटेड थे, राइट, they are from what, they are from sports field। ठीक है, तो ये 12 members जो होते हैं, they are nominated directly by the president who have special knowledge, this word should be noted down, special knowledge in the field of art, literature, science and social service। ठीक है, ये चार words आपको याद रखने हैं। अभी देखते हैं, अभी present हमारे पास, जैसे मैंने आपको बोला, मुझे आप comment section में लोकसभा का बताइए, मैं आपको यहाँ पे राज्यसभा बताती हूँ। आउट ऑफ 245 मेंबर्स, प्रेजेंट वी हैव 245 मेंबर्स, उसमें से 229 मेंबर्स आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स। ये कहाँ से आते हैं, स्टेट से आते हैं, डिफरेंट स्टेट्स से। ठीक है, 4 मेंबर्स, ये 4 कहाँ से है, दे आर यूनियन टेरिटरीज, जो भी यूनियन टेरिटरीज है ना, वहां के 4 मेंबर्स है। और जैसे मैंने ऊपर बताया आपको, ये 12 दे आर नॉमिनेटेड डायरेक्टली बाय द प्रेसिडेंट, क्वाइट सिंपल। अभी देखो, जैसे कि लोकसभा डायरेक्ट इलेक्टेड बॉडी है, तो राज्यसभा कैसी है, दैट इज अ इनडायरेक्टली। हम लोग आम इंसान जाकर राज्यसभा के कभी वोटिंग नहीं देते, उनके लिए हम लोग वोट नहीं करते। ठीक है, उनका जो वोटिंग स्टाइल है, दैट इज इनडायरेक्ट। लोकसभा में हम लोग डायरेक्टली जाकर इलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके।
अभी हमने देखा दिस इज अ डिसॉल्विंग बॉडी, लोकसभा एक डिसॉल्विंग बॉडी, राज्यसभा, राज्यसभा इज नॉट अ डिसॉल्विंग बॉडी, ये कभी, इट इज अ परमानेंट बॉडी, आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। परमानेंट मतलब ये कभी इसके पूरे मेंबर्स डिसॉल्व नहीं होते, पूरे मेंबर्स को निकाला नहीं जा सकता है, ठीक है। लोकसभा में जैसे 5 इयर्स का टर्म है, वैसे राज्यसभा में फिक्स टर्म नहीं है, बट वॉट मतलब ये टर्म को फिक्स करने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको इसके पावर्स दिए हैं, पार्लियामेंट को दिए है। तो पार्लियामेंट ने क्या किया, अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ठीक है, एक एक्ट है दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, तो उसके अनुसार इन्होंने राज्यसभा का ईयर रखा है 6 इयर्स, ओके। तो ये 6 साल एवरी, राज्यसभा कितने साल रहेगी, 6 साल रहेगी, और ये 6 साल में एवरी सेकेंड ईयर, हर दूसरे साल में क्या होगा, 1/3 मेंबर रिटायर हो जाएगा, दे विल बी रिमूव एंड न्यू फ्रेश इलेक्शंस विल बी टेकिंग प्लेस ऑफ दैट 1/3 मेंबर्स, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 साल है, ठीक है, ये 6 साल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, दिस वॉज मेंशन बाय द पार्लियामेंट इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1951, ओके, ठीक है। अभी हमने इसको डिफरेंस करके हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है ना, तो अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस इतनी चीजें, दैट आर द बेसिक थिंग्स आपको याद रखनी है, अगर नींद में से उठाकर पूछ भी लिया ना, यू शुड नो दिस, ठीक है, क्वाइट सिंपल, क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। जस्ट आप बस ये वीडियो देखिए मत, इसके नोट्स बनाइए, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, नोट्स बनाइए, बिकॉज यहाँ पे आर्टिकल्स आपको याद रखने पड़ते हैं, ये कोई सेंटेंस लर्निंग का इश्यू नहीं है, ओके, यू हैव टू बाय हार्ट योर आर्टिकल्स, आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए, इसीलिए आप क्या कीजिए, जब भी आप लोकसभा लिखते हो उसके आर्टिकल, उसके रिलेटेड आर्टिकल्स, जब भी आप लिख रहे हो राज्यसभा उसका कौन सा है, इट इज आर्टिकल 80, तो आपके ये माइंड में ही फिट हो जाएगा, ओके, ठीक है। अभी हमने देख लिया पार्लियामेंट, उसका पार्ट देख लिया, उसके कौन से आर्टिकल्स है, 79 to 122 है, उसके पार्ट देख लिए, उसके हाउसेस भी देख लिए, 2 हाउसेस है, फिर वो हाउसेस की एलिजिबिलिटी भी देख ली, ठीक है, हमने अभी राज्यसभा की एलिजिबिलिटी नहीं देखी, तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है ना, जैसे वहां पे कैंडिडेट कितना साल का लग रहा था हमको, ही शुड बी अबाउट 25 इयर्स ऑफ एज, यहाँ पे कितना है, दैट इज 30 इयर्स, ठीक है, यहाँ पे 30 इयर्स होगा, वहां पे 25 है तो यहाँ पे 30 है, वहां पे 5 साल है तो यहाँ पे 6 साल है, दैट इज द डिसॉल्विंग बॉडी। तो ये क्या है, इट इज अ परमानेंट बॉडी, वो वहां पे अगर कुछ भी इमरजेंसी हो गई या तो फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, एट दैट टाइम इट डिसॉल्व, इट कोलैप्स, ठीक है, तो कोलैप्स तो होती है, लेकिन राज्यसभा ऐसी नहीं है, इट इज अ परमानेंट बॉडी, ठीक है ना। तो अभी देखो लोकसभा में जैसे कि हमको प्राइम मिनिस्टर अभी हमारे हेड होते हैं, ठीक है, हमारे कंट्री के तो हेड है ना, प्रेसिडेंट है, ही इज अ मतलब जो भी है प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, दे लुक आफ्टर अस, तो वैसे लोकसभा के लिए कौन होगा, एक स्पीकर होगा, ठीक है, स्पीकर के अंडर कौन होगा, एक डेप्यूटी स्पीकर होगा, सेम इन द केस राज्यसभा में एक चेयरमैन होगा, एक वाइस चेयरमैन होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी हमने आज इतना ही देखा है, आप इसको रिवाइज कीजिए और हम नेक्स्ट चैप्टर्स में इसका जो भी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और ये राज्यसभा का चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डिटेल में देखेंगे, ओके गाइज, आई होप यू ऑल मतलब आपको ये सब समझ में आया हो, अगर कोई भी इशू हो, अगर आपको ये नहीं समझ में आया है तो मैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और एक ट्रिक मैं आपको बताना भूल गई हूँ, ये लोकसभा की जो भी कितने सेशंस होते हैं, लोकसभा में 3 सेशन होते हैं, ठीक है, आपको ये कैसे याद रखना है, हम सबको पता है BMW कार, ठीक है, तो BMW, तो बी जो ये निमोनिक जो है ना, बी से क्या आता है, बजट सेशन, ठीक है, बजट सेशन, डब्ल्यू से क्या आता है, विंटर सेशन, यम से क्या आता है, मानसून सेशन, तो हम BMW जैसे कि आप देख सकते हो, तो BMW, ठीक है, मैं ये आपको लोकसभा की इसके बता रही हूँ, ठीक है, तो ये BMW जो है, तो ये दैट इज व्हाट मतलब, ये जो बी जो है दैट इज बजट सेशन, यहाँ पे बजट होगा, यम से क्या होगा, मानसून सेशन, और डब्ल्यू से क्या होगा, विंटर सेशन, कितने सेशन हो गए लोकसभा के, दैट आर कंपल्सरी सेशन जो लोकसभा को लेने हैं, कितने, 3 सेशन है, ओके गाइस, आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी, दिस विल बी आपको ये याद भी होगी, ठीक है, बस ये भी ऐसे ही ट्रिक है, पार्लियामेंट दैट इज द मेन हाउस, ओके, ये जो आर्टिकल 79 है, पार्लियामेंट के बाद क्या आएगा, अपर हाउस आएगा, अपर हाउस मतलब व्हाट, राज्यसभा, सिंपल, 79 के बाद क्या आता है, 80 आता है, राज्यसभा के बाद अपर के बाद क्या होगा, लोअर हाउस, लोअर हाउस कहा जाएगा, लोकसभा, तो आर्टिकल
81, ठीक है, हमने अभी यही वीडियो में आपने जगह पर बैठकर इतने आर्टिकल्स याद किए, 79, 80, 81 लोकसभा के सेशन, ठीक है। आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, और इसका जो भी आगे का पार्ट है हम लोग वो नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। टिल देन स्टडी वेल एंड मेक योर नोट्स एंड ट्राई टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। ओके, टेक केयर, बाय बाय।